इसके अंदर जो रूल लगेगा वो मैथमेटिकल इंडक्शन का लगेगा, जो कि आपने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। आई होप सबको इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस वन का पार्ट है, प्लस वन में ये अच्छे से किया हुआ है आप सभी ने। और अगर नहीं भी किया हुआ तो प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए और इसे समझिए, ठीक है। तो देखिए अब हम करने जा रहे हैं फर्स्ट। तब तक सभी बच्चे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हमें मैथमेटिकल इंडक्शन का ही यूज करना है, और आपको प्रूफ करना है 3 की पावर 2n + 2 माइनस में 8n - 9 इज ए डिविजिबल बाय 64, वेयर n इज नेचुरल नंबर, जबकि n क्या है, वो नेचुरल नंबर है। आपको टर्म्स दी हुई है, एग्जाम्पल फर्स्ट, आपको क्या दिया हुआ है, 3 की पावर 2n + 2 माइनस में 8n - 9 इज इक्वल टू में pn, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट n इज इक्वल टू में 1 के लिए करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमें 1 के लिए जरूर चेक करना है, ठीक है। 1 के लिए मैं चेक कर रही हूं, तो यहां पर अगर मैं 1 रखती हूं तो 3 की पावर 1 रखूंगी तो 2 + 2 = 4 माइनस में 8 - 9 इज इक्वल टू में क्या आया, 64। आप यहां लिखोगे विच इज डिविजिबल बाय 64, ठीक है, जो कि किससे डिविजिबल है, 64 से डिविजिबल है। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट इज ट्रू, क्योंकि जो 64 आ गया तो वो 64 से तो डिवाइड करेगा ही करेगा, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू में 1 के लिए, ठीक है। सेकेंड हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, अब हम लेट करते हैं कि पी एन इज मल्टीपल ऑफ, पी एन जो है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 64 है फॉर सम n के लिए, ठीक है। मतलब पी एन जो है, पी एन इज लगा दिया तो इसका मतलब पी एन जो है वो किसके बराबर है, मल्टीपल है 64, मतलब कुछ भी किसी और चीज के 64 के बराबर है, 64 के मल्टीपल के बराबर है पी एन। और पी एन की वैल्यू क्या हमारे पास, 3 की पावर 2n + 2 माइनस का 8n - 9, ठीक है, वेयर वेयर के इज एनी इंटीजर, के इज एन इंटीजर, ठीक है, क्लियर है। तो पी एन इज इक्वल टू में 3 की पावर 2n + 2 माइनस में 8n - 9 इज इक्वल टू में 64 की हो गया, क्लियर है। अब देखो, अब आगे हमें क्या करना है, हम यहां करेंगे चेंज, चेंजिंग n टू n + 1 करना है, ठीक है। मैंने क्या कर देना है, n को किसके अंदर बदल देना है, n + 1 के अंदर, ठीक है, हम यही करते हैं ना, n को किस में चेंज कर देंगे, n + 1 के अंदर। तो पी एन प्लस वन इज इक्वल टू में 3 की पावर 2n + 1, n की जगह पर n + 1 रखते जा रही हूं, ठीक है, यहां +2 है, माइनस में 8n + 1 माइनस का 9, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2n + 2 + 2 माइनस का 8n - 8 - 9, 3 की पावर 2n + 2 3 की पावर 2 माइनस में 8n - 17, ठीक है, ये क्लियर है। अब यहां देखो, एक बार हम पीछे जाते हैं, इसके ऊपर जो है 3 की पावर 2n + 2 था ना बेटा, अगर मैं यहां 64 के पहले से है और साइटम वहां ले जाऊं, +8n + 9, ठीक है, और यहां वैल्यू पुट कर दू इसकी, तो यहां पुट कर सकती हूं मैं, पुट वैल्यू ऑफ 3 की पावर 2n + 2, ठीक है। अगर यहां वैल्यू पुट करती तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर 64k + 8n + 9 और किसका, 3 का स्क्वायर, ठीक है, -8n - 7। आई होप मेरी बात सबको समझ आई है, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, 3 की पावर 2n + 2 जो है ना, उसकी जगह पर ये वाली वैल्यू जो ऊपर लिखी थी ना, ये वाली वैल्यू पुट कर दी बस मैंने, और कुछ भी नहीं किया, क्लियर है मेरी बात, और 3 का स्क्वायर उसके साथ ही था। अब हम इसको सोल्व करते हैं, ये कैसे सोल्व करेंगे वो बस इसको सोल्व करना है।
तो देखो इसकी अगर मैं इससे गुणा करूंगी 64k, और ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 3 3 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ करेंगे तो 3 3 9 और ये है 8 एन, प्लस में 9 और एक और 9 आ गया, माइनस में 8 एन माइनस का 17, ठीक है। तो ये तो हो गया 64k। अब हमें इसको क्या बताना है, 64 से डिविजिबल बताना है। तो बेटा कुछ भी नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, एन वालों को इकट्ठा कर दो। ये कितना होता है, 72, 72 एन माइनस में 8 एन, और ये होता है 81 और ये होता है 17। तो ये हो जाएगा 64 इंटू में 9k, प्लस में इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 64 एन, और ये इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 64। अगर मैं 64 कॉमन ले लूँ यहाँ से तो क्या बचेगा, 9k प्लस में n प्लस 1, ठीक है, ये बच गया मेरे पास। अगर 64 यहाँ आया है, इट मीन्स क्या है कि अगर मैं पी एन प्लस 1 जो है वो क्या है, डिविजिबल है, क्योंकि बाहर आ गया तो डिवाइड तो करेगा, डिविजिबल बाय 64, ठीक है। वेन एवर, जबकि हमारा पी एन भी तो डिवाइड था ना, हमने पी एन के लिए भी लिया था जो कि 64 से डिवाइड था, पी एन इज आल्सो डिविजिबल बाय 64, और 1 के लिए हमने पहले ही कर दिया था, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इंडक्शन 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस का 9 इज डिविजिबल बाय 64, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो हमें इस तरीके से करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या दिया हुआ आपको, देखिए एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड है उसमें क्या दिया हुआ है आपको, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ दैट द 2 इंटू में 7 की पावर n प्लस में 3 इंटू में 5 की पावर n माइनस में 5 इज द मल्टीपल ऑफ 24, ठीक है। देखिए यहाँ डिविजिबल दिया था, इसमें मल्टीपल दिया है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। देखिए जब मल्टीपल होता है वही तो डिविजिबल भी तो हो सकता है ना, अगर कोई चीज मल्टीपल है, मैं ये कहूँ कि 4 है, ये 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, तो अगर 2 का मल्टीपल है तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, तो और ये 2 से डिविजिबल भी होगा, क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर 2 आया हुआ है, ये 2 से डिविजिबल भी है और मल्टीपल भी है, ठीक है। तो ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, वही सेम हम इंडक्शन मेथड लगाएंगे। सबसे पहले मुझे कुछ लेट करना है, जो कि मेरे पास क्या गिवन है, इक्वेशन ये गिवन है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, पी एन इज इक्वल टू में 2 इंटू में 7 की पावर n प्लस में 3 इंटू में 5 की पावर n माइनस में 5 आपको गिवन है। आपको पुट क्या करना है, n इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हमें 1 के लिए प्रूफ करना है, ये मैंने आपको बताया था कि आपको 1 के लिए प्रूफ क्यों करना होता है, क्योंकि 1 जो होता है ना, 1 एक ऐसा नंबर है जो सारी चीजों को क्या करता है, आपका डिवाइड करता है, ठीक है, या डिविजिबल करता है। तो हम 1 से पहले चेक करेंगे, तो जब मैं 1 पुट करती हूँ तो पी 1 इज इक्वल टू में क्या आएगा, 2 इंटू में 7 हो गया प्लस में, फिर इससे करेंगे तो 3 इंटू में 5 माइनस में 5 इज इक्वल टू में क्या हो गया बेटा, 24। तो देखिए 24 आया, अगर 24 आया तो इट मीन्स क्या है कि ये मल्टीपल है किसका, 24 का। तो हम यहाँ लिखेंगे विच इज मल्टीपल ऑफ 24, ठीक है, विच इज मल्टीपल ऑफ 24। अब अगर ये 24 का मल्टीपल है तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू में, एन इज इक्वल टू में 1, 1 के लिए ये रिजल्ट ट्रू है। सेकंड जो होगा हमें क्या करना होता है, अब ये रिजल्ट इसके लिए तो बिल्कुल ट्रू है, अब मैं क्या करूँगी कि मैं कोई के इंटीजर मान लेती हूँ, के कोई इंटीजर है जो कि किसके बराबर है, 2 इंटू में 7 की पावर n प्लस में 3 इंटू में 5 की पावर n माइनस में 5,
यहाँ पर इसको मैंने मान लिया कि ये पूरी चीज जो है ना, यहाँ से मुझे पता चल गया 24 का मल्टीपल है, मैंने इसको क्या कर लिया, ये पूरा ही 24 का मल्टीपल है, साथ में k लगा दिया, भाई k कोई भी इंटीजर है और ये 24 के इक्वल है ये पूरी इक्वेशन, ठीक है, मतलब मल्टीपल के इक्वल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो n हो गया, अब मैं p n प्लस 1 के लिए प्रूफ करती हूँ कोई चीज़, ठीक है। ये n इज इक्वल टू 1 के लिए हो गया, n के लिए मैंने इसको मान लिया 24 के इक्वल है कि ये इसके लिए ट्रू है, ठीक है, हमने ये क्या कर लिया, ये इसके लिए ट्रू है, तो आप यहाँ लिख दोगे कि पी एन बी ट्रू, ठीक है, ट्रू फॉर सम n, ठीक है, n के लिए ये क्या है, ट्रू है, बात क्लियर है। अब ये भी ट्रू है, अब मैं n प्लस 1 के लिए प्रूफ कर रही हूँ, तो क्या करेंगे, 2 इंटू में 7 की पावर, n की जगह पर n प्लस 1 लगा दो, n प्लस 1 प्लस में 3 इंटू में 5 की पावर n प्लस 1 माइनस में 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से, अब हम यहाँ n प्लस 1 रख दिया, अब इसको अलग अलग तोड़ दो, 2 पॉइंट में 7 इंटू में क्या हो जाएगा, 7 की पावर n लिख सकते हैं इसको, उसके बाद हम प्लस में ये हो जाएगा 3 इंटू में, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 5 इंटू में 5 की पावर n माइनस में 5, ठीक है। अब देखो मुझे इस चीज के इक्वल ये चीज लेके आनी है, इस चीज के इक्वल मुझे ये चीज लेके आनी, अब मुझे इसको कैसे एडजस्ट करना है वो देखते हैं। मैं क्या करती हूँ, 2 की पावर 7 n है ना, इसको यहीं रहने देती हूँ और ये सारा वहां ले जाती हूँ ताकि इसको पुट कर सकूँ, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 2 इंटू में 7, 2 इंटू इसको मैं क्या करती हूँ, 2 इंटू में 7 की पावर n यहीं रहने देती हूँ और ये सारा वहां चला जाएगा, 24 के ये हो जाएगा माइनस में 3 इंटू में 5 की पावर n और प्लस में 5, इसकी जगह पर मैं ये रख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पर 2 इंटू में 7, यहाँ 7 तो एज इट इज रहेगा, 2 इंटू में 7 की पावर n की जगह पर ये रख देती हूँ, तो 24 के माइनस में 3.5 की पावर n प्लस 5 प्लस में 3 इंटू में 5, 5 की पावर n माइनस में 5, ठीक है। अब इसकी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 7 इंटू में 24 के हो गया माइनस में, फिर 7 इंटू में ये तो हो जाएगा 3 इंटू में 5 की पावर n प्लस में 7 इंटू में 5 प्लस में यहाँ क्या है 3 इंटू में 5 इंटू में 5 की पावर n माइनस में 5। ये चीजें देखो, ये वाली चीज और ये वाली चीज, इसमें से 5 की पावर n हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 7 इंटू में 24 के माइनस में ये कितना हो गया, 7 ये 21 5 की पावर n प्लस में 5 ये 15 5 की पावर n और ये हो जाएगा आपका 57 35 35 में से 5 गया 30 7 ये हो जाएगा 24 के माइनस में। अब देखिए, अब यहाँ पर इसमें से ये घटाऊंगी तो ये कितना हो जाएगा, 11 में से 5 गए 6 इंटू में 5 की पावर n प्लस में ये 30 है। अगर मैं यहाँ से 24 के माइनस में अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ, मैंने क्या किया 6 कॉमन ले लिया, जब मैंने 6 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, 5 की पावर n माइनस में क्या बचा, 5 बचेगा क्योंकि 6 कॉमन लिया, 7.24 के। अगर मैं ये 5 भी कॉमन ले लूँ इसमें से, ठीक है, इंटू में 5 भी कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर भी एक की कमी हो गई, तो यहाँ 5 की पावर n माइनस 1 बच गया और यहाँ 1 बचेगा, तो 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, n माइनस 1 लिख सकते हैं ना 1 को हम, क्योंकि 1 के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप उसके ऊपर 1 करें चाहे ना करें, n लिखे चाहे n माइनस 1 लिखे, लेकिन मेरा इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, एक फॉर्मूला होता है बेटे ये, कि अगर x की पावर n है और y की पावर n है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि x की पावर n, ठीक है, x की पावर n और प्लस में x की पावर, फिर एक एक कम करते जाओ, n माइनस 1 तो y 1, ठीक है, x की पावर n माइनस में 2 तो ये y 2, ऐसे करते करते लास्ट में यहाँ क्या बचेगा, y की पावर
एन बच जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है मुझे बनाने के लिए मुझे 1 की पावर एन माइनस 1 करना पड़ा, अदरवाइज अगर आपने 5 कॉमन ले लिया था तो यहाँ पर वो करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, सिर्फ एक बनाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो अब देखिए मेरा फॉर्मूला बिल्कुल इजीली खुल रहा है ना यहाँ पर कि 6.5 है। देखो यहाँ पर भी मैंने इसी फॉर्मूले का यूज किया हुआ है कि एन माइनस 1 जो फॉर्मूला यही। सबसे पहले ये साथ में लगाने से पहले एक चीज जो होती है वो मेरी x माइनस वाई भी मल्टीप्लाई में लिखनी है यहाँ पर आपको, ठीक है, वो मैंने मल्टीप्लाई में यहाँ लिख दी। अब देखिए क्या करना है हमें, अब यहाँ पर इसको अगर मैं खोलूं तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस में 1 होगा सबसे पहले, फिर इसकी जो है 5n माइनस 1 है, एक कम एक बार तो सेम लिखनी है। मैंने फॉर्मूला जो है वो थोड़ा गलत लगा दिया, यहाँ n माइनस 1 आना था बेटा, क्योंकि एक तो मैंने बाहर ले लिया तो ये n माइनस 1 हो जाएगा, ये n माइनस 2 हो जाएगा, ये n माइनस 3 हो जाएगा और ये n माइनस 1 होगा और सेम है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ 5 की पावर n माइनस 1 था, अगर मैं एक कम करूंगी तो 5 की पावर n माइनस में 2 हो गया, ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, 5 की पावर n माइनस में 3 हो जाएगा। इस तरीके से कब तक चलेगा, दूसरी टर्म क्या है 1 है तो लास्ट 1 तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा 1 तक। तो 7.24 के माइनस में 6.5 इसको करेंगे तो ये कितना आया मेरे पास, 4 आया, और यहाँ पर मेरे पास 5 की पावर n माइनस 2 है और यहाँ 5 की पावर n माइनस में 3 है और एज सोन है जैसा कब तक चल रहा है, 1 तक चल रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 6 चौक 24, 24 आ गया, 7.24 के माइनस में 24 इंटू में 5 और साथ में ये वाली पूरी टर्म है। अगर मैं 24 इनमें से बाहर कॉमन ले लूँ तो यहाँ 7 के माइनस में 5 फिर ये आ रहा है, तो ये पूरी टर्म्स जो है वो क्या है मेरी 24 की मल्टीपल आ रही है कि नहीं आ रही, पूरी टर्म्स जो है वो मेरी क्या आ रही है 24 की मल्टीपल आ रही है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, पी एन प्लस 1, मुझे इसको तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो 24 ही चाहिए था, तो मैं ये लिख सकती हूँ इज ए मल्टीपल ऑफ 24, ठीक है। तो ये क्या रहा मेरा, इट इज ए ट्रू बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन, इंडक्शन 2 इंटू में 7 की पावर n, 3 इंटू में 5 की पावर n माइनस 5 इज मल्टीपल ऑफ 24, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए क्या दिया हुआ है, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ दैट थर्ड क्वेश्चन है ये मेरा, 3 की पावर 2 n प्लस 1 प्लस में 2 की पावर n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है, मुझे डिविजिबल बाय 7 प्रूफ करना है। सेम वही तरीका है, कुछ भी चेंज नहीं है, डिविजिबल बाय 7 के लिए हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट करेंगे n इज इक्वल टू में 1 के लिए बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन। तो P1 जो है ये Pn होता है, इसको अगर मैं P1 मानूंगी तो इज इक्वल टू में 3 की पावर, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस में 2 की पावर 3, तो ये हो गया मेरे पास 27 प्लस 8 इज इक्वल टू में 35, विच इज ए डिविजिबल बाय 7, विच इज डिविजिबल बाय 7, क्लियर है। तो ये रिजल्ट जो है, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू में 1, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगी, ये pn के लिए लूंगी, ठीक है, फॉर pn के लिए जब हम लेते हैं, लेट pn के लिए pn इज इक्वल टू में हमने क्या मान लिया, 3 की पावर 2n प्लस 1 प्लस में 2 की पावर n प्लस 2, हमने लेट कर लिया कि ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ये मल्टीपल है 7 के का, ठीक है, इसको मैंने किसके लिए लेट कर लिया, इसके कि जो कि pn इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। यहां लिखेंगे k इज एन इंटीजर, ठीक है,
उसके बाद मुझे क्या करना है, पी एन प्लस वन के लिए चेक करना है। तो पी एन प्लस वन के लिए अगर हम चेक करेंगे तो हम n की जगह पर n प्लस वन पुट करेंगे, ठीक है, और n प्लस वन प्लस टू, इसको जब आप सोल्व करते हो n प्लस वन इज इक्वल टू में, तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 n प्लस 3 हो गया, क्योंकि 2 एकम 2 और 1 3, प्लस में 2 और ये हो जाएगा n प्लस में 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 3 की पावर 2 n प्लस 1 और यहाँ पर है मेरे पास n प्लस 2, यहाँ पर ये चीज़ है, तो मैं क्या करूँ भाई, मैं ऐसा करती हूँ 3 की पावर 2 n प्लस 1 को यहीं रहने देती हूँ और 7k माइनस में 2 की पावर n प्लस 2 जो है वो वैल्यू पुट कर देती हूँ यहाँ। ये करना जो है इजी तरीका रहता है, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं फैक्टर करती हूँ, 3 की पावर 2n प्लस 1 और 2 और बच गया, तो 3 की पावर 2 बच गया, प्लस में 2 की पावर n प्लस 3। अब मैंने यहाँ पर इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो 7k माइनस में 2 की पावर n प्लस में 2 और इनटू में क्या था, 3 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर n प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर 7k माइनस में ये है, ये 3 3 जा 9 है, तो 9 तो आगे लिख देती हूँ मैं, 7k माइनस में ये हो गया 2 की पावर n प्लस 2 प्लस में 2 की पावर n प्लस 3। इस 9 को अंदर लेके जाते हैं, 9 इंटू में 7k माइनस में 9 इंटू में 2 की पावर n प्लस 2 प्लस में 2 की पावर n प्लस में 3। एन प्लस 3 है बेटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एन प्लस 2 और एक 2 और आगे, ठीक है। तो यहाँ 9.7k हो गया माइनस में, अब देखिए 2 की पावर n प्लस 2 तो मैंने कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है, क्या बच गया यहाँ पर, माइनस का 9 है और यहाँ प्लस का 2 है, तो माइनस का 9 में से 2 गया तो माइनस का 7, माइनस का 7 इंटू में बच गया, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखो 7 दोनों के अंदर आ रहा है, तो 7 में बाहर ले सकती हूँ, 9k माइनस में 2 की पावर n प्लस 2, तो देखिए 7 ये पूरी टर्म्स जो है वो किसकी मल्टीपल आ रही है, 7 की, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर कि पी एन प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 7, क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ 7 से तो वो डिविजिबल हो जाएगा किससे, 7 से, देन पी एन इज कब, वेन एवर लगा देना, वेन एवर, जब पी एन आपका डिविजिबल है 7 से तो पी एन प्लस 1 भी जो है वो क्या होगा आपका डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 7 होगा, डिविजिबल बाय 7, ठीक है, बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन, आपको यहाँ लिखना है बाय मैथमेटिकल इज ट्रू फॉर 3 की पावर 2 एन प्लस 1 2 की पावर 2 एन प्लस 2, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो भी मेरा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ बिल्कुल इजी है, इसके अंदर आपको दो मेथड है, दोनों में से कोई भी आप मेथड अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपसे क्या पूछा है कि एवरी नंबर ऑफ द फॉर्म 6n प्लस 1, इसने बोला कि एवरी नंबर जो होते हैं ना, प्रत्येक नंबर जो होते हैं ना 6n प्लस 1 की फॉर्म के, वो इस फॉर्म में लिख सकते हो आप, क्यों नहीं लिख सकते आप, लिख सकते हो, देखो 6n प्लस 1 है, उसके प्रत्येक नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो कैसे हम लिख सकते हैं, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो दिया हुआ है पार्ट फर्स्ट में आपको दिया हुआ है 6n प्लस 1, ठीक है। अगर मैं 6n प्लस 1 मुझे पता है मेरे पास है और मुझे इसको 6n माइनस 5 की फॉर्म में बताना है कि मैं क्या इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, आप क्या करो, इसको इस फॉर्म में लाने के लिए कुछ भी ऐड कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, 6 माइनस, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ और मैं जब इनको इकट्ठा कर लूँ 6n प्लस 6 है तो 6 कॉमन ले लिया मैंने इसमें से और यहाँ क्या बचा माइनस का 5, तो 6n प्लस 1 माइनस का 5, मैंने n प्लस 1 को मैंने क्या मान लिया, m मान लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6m माइनस 5। तो देखो मैंने लेके क्या चली थी फॉर्म, किस फॉर्म में ला दी, लेके मैं क्या चली थी, लेके क्या आ चुकी है, यही चीज
यही चीज मुझे लेके आनी थी। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर कि एवरी नंबर ऑफ फॉर्म 6n+1 इज आल्सो फॉर्म 6n-5। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल, इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से गिवन है कि आपको क्या दिया हुआ है, जो सेकंड पार्ट है कि 8k-3 आपको दिया हुआ है। आपको 8k+5 की फॉर्म लेके आने, तो हम कैसे लेके आएंगे? मुझे 5 चाहिए यहाँ, तो 8k+3 कब आता है? जब मैं क्या करेंगे हम इसमें क्या ऐड करेंगे, 8k- का 8 प्लस में अगर मैं 5 करती हूँ, 8 में से 5 गए 3 और वो भी माइनस का आएगा, ठीक है, तब ये आ जाता है। 8 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या है k-1, यहाँ क्या है प्लस का 5। k-1 को हम लेट कर लेते हैं, लेट k-1=m, तो ये 8m+5 इसकी फॉर्म आ चुकी है, यही आंसर है। क्लियर है? तो देखो मैं चीज ये लेके चली थी तो हमने ये फॉर्म ला दी, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मतलब एवरी नंबर जो होता है ना इसका, इस फॉर्म का, वो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एवरी नंबर ऑफ फॉर्म 8k-3 इज आल्सो फॉर्म 8k+5। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है उसमें क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोला कि प्रूफ दैट स्केयर ऑफ एन ओड नंबर, ओड नंबर का अगर मैं स्केयर कर दूं तो वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। देखिए कैसे, कोई ओड नंबर क्या होता है, ओड नंबर अगर इवन नंबर की बात की जाए, इवन नंबर की बात की जाए तो 2 का मल्टीपल इवन नंबर होता है, ठीक है, एन 2n हो गया, जैसे कि n तो n इंटीजर हो गया, n इज इंटीजर, ठीक है, तो ये तो हो गया इवन के केस में कि मल्टीपल ऑफ 2। अगर मैं ओड की बात करूं तो ओड होता है 2n+1, ठीक है, 2n+1 ओड है। क्लियर है? इसलिए बोला अगर मैं इसका स्केयर कर दूं ओड का, इसको मान लीजिए मैंने m मान लिया, इसका अगर स्केयर करे तो m का स्केयर इज इक्वल टू में 2n+1 का होल स्केयर, तो इसको क्या खोलेंगे, 4n का स्केयर प्लस में 4n+1, तो ये हो गया m का स्केयर इज इक्वल टू में, इसमें से 4n कॉमन ले लेते हैं तो n+1, ठीक है, ये क्या बचा 1, यहाँ से मैंने 4n बाहर कॉमन ले लिया n+1, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, 2 का डिविजिबल आ रहा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आपको पता है कि अगर 2 कंजुगेटिव इंटीजर है, अगर मेरे पास 2 कंजुगेटिव इंटीजर है, अब 2 कंजुगेटिव इंटीजर कैसे हुआ, देखो ये n है और ये n+1 है, तो 2 कंजुगेटिव इंटीजर हो गया ना, मतलब कंटिन्यूटी में 2 इंटीजर आ रहे हैं। हमने पहले भी एक प्रूफ किया था कि अगर आपके पास r इंटीजर है और वो भी कंटिन्यूटी में है तो हम उसको किससे डिवाइड करेंगे, r फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। अगर आपके पास 3 इंटीजर है और वो भी कंटिन्यूटी में है, जैसे कि 1 × 2 × 3, ये तीनों 3 इंटीजर है और 3 इंटीजर कंटिन्यूटी में है, तो ये किससे डिवाइड करेंगे, 3 फैक्टोरियल को कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, 2 इंटीजर है और वो भी कंटिन्यूटी में है, तो वो किससे डिवाइड करेंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेगा, 2 फैक्टोरियल से करेगा तो इट मीन्स वो 2 से है, क्योंकि 2 फैक्टोरियल को खोलोगे तो 2 ही बनेगा, तो n इंटू में n+1 जो है वो इज डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अगर ये 2 से डिविजिबल है बेटा, तो हम इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 2 के, मतलब जब ये डिविजिबल है ये 2 से, 2 बाय अगर ये n इंटू में n+1 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, n n+1, k कोई इंटीजर ले लिया, k क्या मेरे पास कोई
इंटीजर ले लिया मैंने, ठीक है, क्लियर है ना मेरी इतनी बात। तो फर्स्ट इक्वेशन तो मेरी ये थी, सेकंड ये आ गई मेरी कि इसकी जगह पर फिर मैं 2k रख सकती हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ पुट n इंटू में n प्लस 1 इज इक्वल टू में 2k इन इक्वेशन फर्स्ट। तो m का स्केयर इज इक्वल टू में क्या आया मेरे पास 4, यहाँ पर 2k, यहाँ प्लस 1, इसको अगर करेंगे तो 8k प्लस 1। तो देखो मैं, मुझे निकालना यही तो था, इसने बोला कि प्रूफ दैट द स्केयर ऑफ द ओड नंबर इज द फॉर्म ऑफ द 8k प्लस 1, और वही मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। तो यही मुझे प्रूफ करना था, उसके अलावा मुझे कोई प्रूफ नहीं करना था। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपको, शो दैट 2 की पावर n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 5 फॉर n ए पॉजिटिव ओड इंटीजर। देखो इसने क्या बोला कि शो दैट 2 की पावर n प्लस 1 इज ए डिविजिबल बाय 5, आपको ये बताना है कि ये 5 से डिविजिबल है, और n जो है ना वो पॉजिटिव ओड इंटीजर है, n जो है वो पॉजिटिव क्या है, ओड इंटीजर। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले वही चीज हम इस क्वेश्चन नंबर 6 2 की पावर 2n प्लस 1 नहीं सॉरी ये 2 की पावर 2n प्लस 1 आपको बताना है इज डिविजिबल बाय 5। हम क्या करें इसके लिए, पहले n के लिए हम क्या करते थे, 1 के लिए प्रूफ करते थे, इसको खोलेंगे अगर 2 की पावर 2 करके और n प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4 की पावर n प्लस 1, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ये 1 की पावर n, क्योंकि देखो अकेला इसको तो मैं कुछ सोल्व कर नहीं सकती, अगर एक साथ और आ जाए तो फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा मेरा, वो x की पावर n प्लस में y की पावर n वाला, ये क्या हो जाता है x x प्लस y, और यहाँ पर x की पावर एक कम होती है, ठीक है, प्लस में फिर y की इस तरीके से जो है ये टर्म्स जो है वो मेरी चलती रहती है, x की पावर n माइनस में 2 फिर y s होने चलती रहेगी, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे चलता है ये n इज ओड के केस में, ठीक है। जब आपको n जो है वो क्या दिया हुआ है, ओड दिया हुआ है, तब ये केस आपको लेना है। अब देखिए आप यहां लिख दोगे वेयर n इज ओड, अब देखिए यहां पर 2 की पावर 2 की पावर 2 था तो 4 की पावर n प्लस में 1 की पावर n है, इसको हम क्या कर दे ओपन कर देते हैं, तो 4 प्लस 1 उसके बाद 4 की पावर n माइनस 1 माइनस 4 n माइनस में 2 इंटू में 1 s होना है, जैसे चलता रहेगा तो लास्ट में क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू में 1, ठीक है। अब ये देखिए ये पूरी टर्म्स जो है ये 5 आ गया, अंदर ये वाले टर्म्स है तो ये किसकी मल्टीपल है, 5 की मल्टीपल आ रही है ना, तो इट मीन्स क्या, अगर ये 5 की मल्टीपल है तो ये 5 से डिविजिबल भी होगी, तो मैं क्या कह सकती हूँ इज इक्वल टू में 2 की पावर 2n प्लस 1, ये वाली पूरी टर्म इसके बराबर है, तो मैं लिख सकती हूँ ना कि 2 की पावर 2n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, क्योंकि ये भी तो पूरी तरह से अगर 5 बाहर आ जाता है तो भी हमारा क्या है 5 बाहर आने से भी ये जो है डिविजिबल है, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।